आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम खास बातचीत, और आज हमारे साथ में ग्राम पंचायत जसवंतपुरा से सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि तिलोक संजी माली, उनसे खास बातचीत करते हैं। जसवंतपुरा में प्रमुख समस्या क्या है? जसवंतपुरा के अंदर जैसे प्रमुख समस्या नाली, गंदे पानी के नाली की निकासी की है, जो कि बाजार से लेकर बस स्टैंड के ऊपर वहाँ पर नालियों की सुविधा नहीं है, इसलिए गंदे पानी का जमावड़ा होता है और ये सारी समस्याएँ हैं। गंदे पानी की नालियों की, जो नालियाँ टूटी हुई पड़ी है जिसके अंदर पानी की सप्लाई सही नहीं हो रहा है और गंदगी का जमावड़ा रहता है, इससे आए दिन बीमारियां फैलने जैसी डेंगू है, प्लेग है, ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है ग्रामवासियों को। और नालियों का बजट बहुत आता है लेकिन आज दिन तक नालियों की सुधारा नहीं हुआ है जसवंतपुरा ग्राम पंचायत में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर जो कि सरपंच बने, तो मैं इस गांव को एक बार क्लीन करना चाहता हूँ, एकदम साफ सुथरा रहे मेरा गांव और सफाई रहे, नालियों की गंदगी ना रहे, और अगर जहाँ तक होगा तो नालियों के अंदर अंडर गटर पाइप डाल देंगे जिससे नालियाँ टूटेगी भी नहीं और आने जाने में भी परेशानी नहीं होगी। जसवंतपुरा की बात करें तो यहाँ पर पानी की कितनी क्या समस्या है? यहाँ पर पानी की बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे किसी किसी घरों के अंदर तो आज भी पानी के नल कनेक्शन नहीं है, और जहाँ पर नल कनेक्शन है वहाँ पर 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, और अब देखा जाए तो गर्मियों के दिन 10-10 दिन में भी पानी नहीं आता है, और गरीब लोगों को टैंकर डलवाने पड़ते हैं, और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि टैंकर भी नहीं जा पाते हैं, तो कोई हेडपम्पों का सहारा लेता है, वो सहारा लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जलदाय विभाग से बात करके सब जगह पाइपलाइनें डलवा के जिन घर के अंदर नलें नहीं हैं, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पर मैं नल कनेक्शन दिलवाने की कोशिश करूँगा हर संभव, और अगर सरपंच पद पर रहता हो तो मैं 4-5 महीने के अंदर ये पानी वाली समस्या से मुक्ति करवा दूँगा। ग्राम पंचायत जसवंतपुरा की जनता ने आपके माताजी को आशीर्वाद दिया, आपके परिवार को आशीर्वाद दिया, यहाँ से आपकी माताजी सरपंच बनी, तो आप गाँव के अंदर क्या प्रमुख विकास कार्य करवाओगे? मैं अगर गांव का सपोर्ट रहता है और गांव चाहता है और हमें आशीर्वाद देता है, और अगर हमारी माताजी सरपंच बनती हैं, तो मैं हर समय इस गांव के विकास के लिए जो भी होगा, ग्राम पंचायत से बजट लाना, जिला परिषद से बजट ला के ग्राम पंचायत के अंदर डालना, जैसे जितनी भी गंदी नालियों की समस्या है, पानी की समस्या है, कनेक्शनों की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड लाइट की समस्या है, ये सारी समस्या इस गाँव की मैं मिटा दूँगा, और यही मेरी कोशिश रहेगी, हर संभव यही प्रयास रहेगा कि मेरा जसवंतपुरा क्लीन रहे। और कचरा पात्र के लिए जो फिलहाल एक ट्रॉली चलती है, ट्रैक्टर ट्रॉली, जो सिर्फ मार्केट का कचरा लेके जाती है, अगर संजोग हो गया तो मैं 3 टाटा S के जो टेम्पो आते हैं जिसके अंदर गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग भरवा के नदी में एक जगह खड्डा खुदवा के उसके अंदर डालूंगा, ताकि गायें भी नहीं खाएं और गायें भी इससे बीमार नहीं पड़ें। और जो भी जितनी भी यहाँ गायें हैं, तो हमारे हनुमान जी के सामने गौशाला बनी है, अगर हो सका तो मैं ग्राम पंचायत से ऊपर से अगर गायों की गौशाला बढ़ती है तो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि बजट पास करवा के एक अच्छी गौशाला बनवा दूँ, जो कि यहाँ गायें घूमती हैं उनका रहने का, और वहाँ एक आश्रित ठिकाना बन जाएगा। बात करें तो आप राजनीति में क्यों आए, क्या रीज़न है, क्या कारण है, आप राजनीति में आने के पीछे रीज़न क्या है? राजनीति में आने का ये रीज़न है कि इस जसवंतपुरा गांव में पिछले 10 वर्षों से मैंने देखा कि यहाँ पे एक तो भूमापियों का खौफ है, और जसवंतपुरा में लोग खुद की ज़मीन पर भी कब्जा करने से डरते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए राजनीति में आया कि इस जसवंतपुरा को अच्छी सह पहल दे सकूँ। यहाँ पे एक रावणनाथ जी का मंदिर है और ये लोहेणागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, और ये दिनों दिन इस गांव का नाम दबता जा रहा था, यहाँ पे लोग बिजनेस करने से भी डरते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में ऐसी समस्या ना होवे, इसलिए मैंने राजनीति में पैर डाला है, ना कि मेरा कोई स्वार्थ है, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, परंतु मैं यहाँ की दादागिरी, भूमाफियों की दादागिरी और गुंडागर्दी, जिससे लोग आम जन लोग सीधे लोग परेशान हैं, उनके लिए मैं राजनीति में आया हूँ और इस गांव का विकास करूंगा। इसलिए जहाँ तक कि मेरा मानना है और मैंने देखा है, जहाँ तक माननीय श्रीमान सेवाराम जी महाराज साहब के समय अच्छा विकास हुआ था, और ये जो दादागिरी वाला खौफ था, ये खौफ नहीं था उस समय, उसके बाद रतन जी सोनी था तो उन्होंने जसवंतपुरा में सीसी रोड जैसी सुविधाएँ करवाई थी। बाकी के पिछले 15 साल के कार्यकाल के अंदर एक तो भूमाफियागिरी बढ़ गई है, अवैध कब्जे हो गए हैं, अवैध जमीन को जिसकी ज़मीन है वास्तविक उसके पास पट्टा नहीं है, और गैर मुमकिन आदमी के पास उनका पट्टा है, और जिनके आवासीय खुद के घर हैं उनको ग्राम पंचायत ने आज दिन तक पट्टे नहीं दिए,
और मैं चाहता हूँ कि अगर उनको पट्टे मिल जाए तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सुविधाएं मिल सकेगी, लेकिन आज तक इनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन सबको, जिनके आबाद हैं, जिनकी खुद के घर हैं और आसपास पड़ोस को कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मैं उनको पट्टे बना के दूंगा ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं आती हैं वो उनको भरपूर मिल सके। राजस्थान सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, वो कई योजना गरीबों के उत्थान के लिए चलाती है, लेकिन वो योजना आम गरीब तक नहीं पहुँच पाती है। आप सरपंच बनने के बाद में उन योजनाओं को किस तरह से गाँव के गरीब तक पहुँचाओगे? मेरी हर संभव यही कोशिश रहेगी, अगर मैं ग्राम पंचायत जसुंबरा में मेरी मदद अगर विजयी होती है तो मैं जसुंबरा हॉल, जसुंबरा ग्राम पंचायत के सामने एक हॉल बना के उसके अंदर जैसे किसी गरीब परिवार को आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, जॉब कार्ड बनवाना है, जो भी बनवाना है तो वो मेरे यहीं से बनेगा, ना कि ई मित्र वालों के यहाँ भटकना पड़ेगा। और जो भी जेरोक्स तक का जो भी पैसा होगा वो ग्राम पंचायत जसुंबरा वहन करेगी। ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में सरपंच पद के लिए 10 तारीख को वोट है, 10 तारीख को हार जीत का फैसला होना है, क्या कहोगे आप जसवंतपुरा ग्राम पंचायत के मतदाताओं को? मेरी जनता जनार्दन है, जनता से यही अपील करूंगा कि 10 तारीख को चुनाव चिन्ह रोड लाइट पर वोट दबाकर मेरी माताजी को विजयी बनाए, तो मैं जितनी भी जो ये घोषणा की है उस पर पाबंद रहूँगा, खरा उतरूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और जनता को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 10 तारीख को चुनाव के अंदर रोड लाइट के बटन के ऊपर वोट देकर विजयी बनावे। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत जसवंतपुरा के सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि तिलोक संजी माली, जिन्होंने साफ कहा है कि जसवंतपुरा की जनता ने मेरे माताजी पर, मेरे परिवार पर आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पर विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। रविंद्र सिंह उमट, रानीवड़ा, जालौर।